तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीमा सखी की नौकरी के बारे में। इस नौकरी के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। इस नौकरी में कार्य क्या करना है और इसमें चयन कैसे होगा, इसमें योग्यता पात्रता क्या है, मानदेय कितना मिलेगा, क्या क्या इंसेंटिव मिलेगा, क्या मानदेय रहेगा, क्या कुछ लाभ मिलेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से बिना स्किप किए देख लीजिएगा, क्योंकि समूह में आने वाली बीमा सखी की नौकरी, बीमा सखी क्या काम करेंगी, यह एक नई प्रकार की नौकरी है। बहुत जगह जो है अलग अलग राज्यों में यह नौकरी भरी भी गई है, बीमा सखी कार्य कर रही हैं। आप इन्हें बीमा मित्र के नाम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीमा मित्र कहे या बीमा सखी, महिला है तो बीमा सखी कहते हैं, तो बीमा मित्र या बीमा सखी एक ही बात है। चलिए जानते हैं कि इस बीमा मित्र जो या बीमा सखी की नौकरी है, ये स्वयं सहायता समूह की किन महिलाओं को मिलेगी और पूरी जानकारी इसमें आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझ लेनी है, क्योंकि जैसे ही आपके ब्लॉग से यदि बीमा सखी के लिए आवेदन शुरू होते हैं तो आपको पहले से इसके लिए जानकारी रहेगी, तो आप सही तरीके से आवेदन कर पाएंगे और इस नौकरी को कर पाएंगी। चलिए दीदी वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बीमा सखी का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है। देखिए जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि बीमा सखी जो है वो बीमा करवाना, बीमे का क्लेम करवाना, बीमा का जो आपको लाभ है वो दिलवाना, इन्हीं सब कार्यों के लिए कार्य करेगी। अब इस नौकरी को कौन दीदी कर सकती है, उसकी योग्यता आपको जाननी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग योग्यता पे बात करेंगे। देखिए संबंधित जिला समाख्याओं के माध्यम से SERP ने विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों CRP जैसी एक मजबूत सामाजिक पूंजी विकसित की है, जिसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने और एक सक्रिय SSG यानी कि स्वयं सहायता समूह सदस्यों के बीच से विकास हस्तक्षेप की पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य है। इसी तरह प्रत्येक मंडल के लिए बीमा मित्रों या बीमा सखी की पहचान की जाती है, उन्हें प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग दिया जाता है और समुदाय को त्वरित, तुरंत और गुणवत्तापूर्ण बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए तैनात किया जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें तो वहां पर लगभग 1000 बीमा मित्र कार्य कर रहे हैं। देखिए इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आगे भी नौकरियों में पद भरे जाते हैं। फिलहाल आप लोगों को जानकारी मिले इसके लिए मैं आपको यहां पर समझाने का प्रयास कर रही हूं। अब बीमा मित्र को बहुत कुछ लाभ मिलता है, मानदेय इंसेंटिव के साथ में मोबाइल आदि भी मिलता है, और भी इनको लाभ मिलता है, एक खाता खुलवाया जाता है ATM थ्रू, तो वो भी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको आगे मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं पात्रता योग्यता की। नंबर एक है कि वह एक SSG सदस्य होगी, यानी कि स्वयं सहायता समूह की सदस्य होगी, जो कॉल सेंटर से कॉल मिलते ही अपने घर से बाहर जाने को तैयार होगी। मतलब कॉल सेंटर से उसको जोड़ा जाएगा, उसके पास कॉल सेंटर के माध्यम से कॉल आया करेगी, और जिस किसी का बीमा क्लेम करवाना है, जब भी सूचना गाँव से मिलेगी उसको कॉल सेंटर से जानकारी दी जाएगी कि आपको वहाँ पहुँचना है, उस व्यक्ति के पास पहुँचना है, तो वहाँ पर जा करके उसके दस्तावेज वगैरह को भरना और जमा करवाने का काम शुरू करेगी, तो घर से बाहर तो जाना ही होगा। नंबर दो है उसके पास न्यूनतम शिक्षा योग्यता जो SSC शिक्षा योग्यता 10+ होनी चाहिए, मतलब कि इंटरमीडिएट पढ़ी होनी चाहिए। तीसरा है कि उसे जिला समाख्या के नियमों और विनियमों का पालन करने का वचन देना होगा, मतलब नियम और शपथ तो आपको करनी होगी, नियम तो आपको पालन करना ही है। उसके बाद है चार नंबर कि वह अपने VO यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन ग्राम संगठन और MSA JS को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी, जिसमें कहा जाएगा कि उसके मंडल से बीमा मित्र के रूप में उनके काम काज के संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, और जो भी मतलब शपथ वगैरह हो यहाँ पर वो उस तरीके से लिखा है समझ लीजिएगा। फिर तो जब आपका अगर ज्वाइनिंग होता है इसमें वैकेंसी पे तो आप लोग को वहाँ बताया ही जाएगा। पाँच नंबर है किसी भी दुरुपयोग अनुबंध के उल्लंघन मामले में वह JS को अपने संबंधित MSA मोबाइल फोन और ATM सुविधा के साथ बैंक खाते की वाउच के संबंध में एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा अगर एज की बात करें तो कम से कम 18 और अधिक से अधिक 35 इसमें एज बताई गई है। तो पात्रता यहाँ पे आपने समझ ली है, ज़्यादा कुछ नहीं है, और हाँ अंक गणित का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पैसे का अमाउंट का लेखा जोखा आपको करना ही है, बीमा होगा, बीमे का क्लेम करवाना है, राशि दिलवानी है, इस तरीके से।
अब देखिए बीमा मित्र कार्य करेगी कैसे, तो देखिए कि जिस किसी गांव का वो मतलब के कैंडिडेट होगा, वहां से कॉल सेंटर पे कॉल जाएगी, वो कॉल करेगा तो वहां से बीमा मित्र के पास या बीमा सखी के पास कॉल आएगी। तो बीमा मित्र या बीमा सखी उस गांव का दौरा करेगी, वहां जाएंगी जहां पर मृत्यु की सूचना मिली है या दुर्घटना की सूचना मिली है, वे समुदाय से इसके कारण की पुष्टि करेंगी और इसकी अनुमति लेंगी, तो शोक संतृप्त नामांकित व्यक्ति को भुगतान करेंगी, बीमा मित्र क्लेम कम डिस्चार्ज फॉर्म भरेंगी, हस्ताक्षर लेंगी और परिवार के सदस्यों को मृत्यु और आयु प्रमाण पत्र, आकस्मिक मृत्यु के मामले में FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर प्रमाण पत्र आदि भेजने की सलाह देंगी। ये सब डॉक्यूमेंट वहाँ से उनको बताएंगी परिवार वालों को और वो जो है एकत्र करवाएंगी। और इसके अलावा नौकरी व कॉल सेंटर पर अनुपालन की सूचना देंगी, ठीक है। फिर कॉल सेंटर ऑपरेटर संबंधित बीमा मित्र के खाते में राशि दोबारा भरने की जिम्मेदारी लेता है, मतलब कॉल सेंटर से बीमा सखी के पास कॉल आएगी, वो उस गांव में जाएगी संबंधित व्यक्ति के पास जिसका बीमा क्लेम है या बीमा वगैरह जो भी, वहां पर डॉक्यूमेंट वगैरह एकत्र करवाएंगी, उनका फॉर्म वगैरह भरेंगी, उसको जमा करेंगी जा करके, तो बीमा क्लेम जो है फिर वो कॉल सेंटर के माध्यम से जो है कैंडिडेट को उपलब्ध होगा। तो इस प्रकार से बीमा मित्र के खाते में राशि दोबारा भरने की जिम्मेदारी भी जो है वो कॉल सेंटर ऑपरेटर की रहती है। तो जो बीमा मित्र है उनका भी कुछ अमाउंट जो है खाते में बनाया रखा जाएगा, जिससे कि बीमा मित्र को यात्रा आदि में सुविधा रहे और जो है कहीं जाने में कोई दिक्कत ना हो, उसका भी थोड़ा बहुत खर्च है, मानदेय की बात भी आगे हम लोग करेंगे। तो देखिए प्रत्येक बीमा मित्र को सेवा शुल्क और वास्तविक यात्रा के रूप में प्रत्येक कॉल के लिए 100 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है, प्रत्येक कॉल के लिए 100 रुपये। इसके अलावा संबंधित मंडल समाख्या के समुदाय के सदस्य को सहयोग और आवश्यक प्रमाण पत्रों को शीघ्र जमा करने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेने के लिए 100 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। और जैसे ही सभी आवश्यक प्रमाण पत्र एकत्र हो जाएंगे, बीमा मित्र दावा प्रपत्र कॉल सेंटर को डाक या कुरियर के द्वारा भेज देगी, तो फिर कॉल सेंटर के दस्तावेजों को सत्यापित होगा वहां से और स्कैन किया जाएगा, उसके बाद LIC को जमा करने के टोकन के रूप में पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। फिर निगम ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से कॉल सेंटर को बीमा राशि भेजकर 2 दिनों के भीतर दावे का निपटारा करता है और अंत में जिला समाख्या ने 5,000 रुपये की कटौती करके अंतिम भुगतान का निपटान करने की जिम्मेदारी ली, इसका भुगतान बीमा मित्र के माध्यम से किया जाता है। तो यह कुछ प्रक्रिया है काम करने की, फिलहाल तो मैंने यहाँ पर आपको समझा ही दी, लेकिन जब आप काम करेंगे तो आपको ट्रेनिंग तो दी ही जाएगी, और ट्रेनिंग कैसे मिलेगी समझ लीजिए। तो एक बार बीमा मित्र का चयन हो जाने के बाद SERP के परामर्श से दावा निपटान की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि जिला समाख्या की जिम्मेदारी होती है। इसी के माध्यम से आप लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा, ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे आपको दावा निपटारा करना है, कैसे बीमा क्लेम को आपको कैंडिडेट तक उसको लाभ दिलवाना है। अब देखिए बीमा सखी को जो मानदेय मिलेगा उसके अलावा जो है आपको इंसेंटिव भी मिलेगा, मानदेय जो पारिश्रमिक है वो आपको कैसे मिलेगा एक बार समझ लीजिए, फिर इंसेंटिव को भी समझ लीजिएगा। कॉल अटेंड करने पर प्रत्येक बीमा मित्र को प्रत्येक दावे के लिए संसाधन शुल्क के रूप में 100 रुपया मिलेगा, एक कॉल का रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा 100 रुपये की। यदि वह एक दिन में एक से अधिक दावों में भाग लेती है तो उसे दावों की संख्या के अनुसार भुगतान किया जाएगा, तो मतलब एक कॉल जो है आपको अगर आती है तो एक कॉल का 100 रुपया है, जितनी कॉल आती हैं तो प्रत्येक दावे के संसाधन शुल्क के रूप में जो कॉल अटेंड करने पर 100 रुपये यहाँ पर बताए गए। अब प्रोत्साहन राशि देख लेते हैं, जो इंसेंटिव है, तो देखिए यहाँ पर यदि कोई बीमा मित्र या बीमा सखी कॉल सेंटर से कॉल प्राप्त होने के समय के 5 घंटे के भीतर अंतरिम राहत का भुगतान करता है या करती है, तो 7 दिनों के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, नामांकित SB खाता विवरण, अंतिम दावा राशि के ऑनलाइन निपटान के लिए सहित कुल दावा दस्तावेज जमा करता है तो उसे 700 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा, और बिना नामांकित खाते के 500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यदि वह 7 दिनों के बाद जमा करती है तो उसे नियमित संसाधन शुल्क 100 रुपये के अतिरिक्त 150 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
इतने सबके अलावा और भी सुविधाएं मिलेंगी यहाँ पर, क्या क्या मिलेंगी। कॉल सेंटर से कॉल प्राप्त करने के लिए बीमा मित्रों को एक सेल फोन दिया जाएगा, मोबाइल फोन मिलेगा, एटीएम सुविधा के साथ एसबी बैंक खाता मिलेगा, पहचान पत्र होगा, दावा दस्तावेज के साथ एक किट मिलेगी, स्टेशनरी मिलेगी, स्टाम्प पैड, स्टेपलर, पेन पेंसिल, ये सब किट में रहेगा। और जिला समाख्या द्वारा तय की गई एक वर्दी यानी कि ड्रेस भी आपको एक जोड़ी मिलेगी। ये सारे लाभ है बीमा मित्र को मिलने हैं और बीमा क्लेम, दावा निपटारा, ये सब कार्य करने के लिए। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी समझ आई होगी कि स्वयं सहायता समूह में बीमा मित्र की नौकरी होती है, उस नौकरी पर आप लोगों को क्या क्या कार्य करना है, क्या पात्रता योग्यता है, मानदेय और प्रोत्साहन राशि और अतिरिक्त सुविधाएं आपको क्या क्या मिलेंगी, प्रशिक्षण होगा, ये सब आपकी समझ में आ गया। अब आपके मन में होगा आवेदन कैसे करना। देखिए, समूह में मिलने वाली सभी नौकरियों के आवेदन ब्लॉक पे जाकर एनआरएलएम ऑफिस में ऑफलाइन तरीके से होते हैं। अभी चूंकि लखपति दीदी योजना शुरू कर दी गई है, इस योजना में जो दीदी लोग को लोन उपलब्ध कराया जाएगा, उस लोन के बाद उनको फसल बीमा है, पशु बीमा है, ये सब भी करवाए जाएंगे। तो बीमा तो समूह में है, ये तो आपको पहले से पता है, दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा, ये सब होते हैं। तो इसी सब के लिए जो है बीमा सखी की आवश्यकता है। तो शीघ्र ही समूहों में बीमा सखी के पद जो है वो भरे जाने हैं। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और बीमा सखी से रिलेटेड और डीपली जानकारी लेकर हम अगली वीडियो आएंगे, उसमें हम बहुत क्लियर तरीके से और भी अधिक जानकारी आपको देंगे, पात्रता योग्यता और उत्तरदायित्व कार्य जिम्मेदारी की विस्तार पूर्वक जानकारी समझा देंगे। तो अगली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। यह वीडियो आप लोग शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।